अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिल्म आई हुई है आदि पुरुष और काफी विवादों में घिरी है, काफी जो है उस पर चर्चाएं हो रही हैं। और आपको बता दूं कि इस फिल्म का मुवाजना किया गया था पठान फिल्म से। खैर, पठान फिल्म के बारे में मुझे कुछ बोलनी ही नहीं थी, वो क्या थी नहीं थी, अंध भक्तों ने भी देखा और जब वो देखे तो उसके बाद मुंह पर ताले लग गए, ठीक ना। उससे पहले बहुत सारी विवादें और बहुत सारी फसादात इन लोगों ने किए और उसका मुवाजना किया था आदि पुरुष। तो पठान मूवी के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बोलना, आप सब वाकिफ हैं। और हाँ, ये आदि पुरुष फिल्म लाई गई थी पठान को जो है वो करने के लिए, कॉम्पिटिशन देने के लिए। खैर, और बता दूं कि ये आदि पुरुष जो मूवी है ये अपने मुंह के बल बुरी तरह से एक दिन में गिरी, यानी कि पूरे 24 घंटे भी नहीं गुजरे। और इसको गिराने वाले कौन, खुद इसके अपने लोग बनाने वाले और हिंदुत्व और हिंदुओं की दुहाई देने वाले, भगवानों की दुहाई देने वाले ऐसे लोगों ने ऐसी फिल्म बनाकर खुद जो है अपने ऊपर, क्या बोलूं। खैर, आगे सुनिए, सुनते जाइए कि कितनी जबरदस्त फिल्म है आदि पुरुष। आपके स्क्रीन पर प्रयाग नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने 5 सवाल किया है, 5 सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। मूवी का पहला डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सोचिए जरा, ये शब्द हनुमान जी के हैं। दूसरा डायलॉग, तेरी बुआ का बगीचा है जो क्या, जो तू हवा खाने चला आया। ऐसा लग रहा है कि वो जो फुटपाथ के जो लोफर लफंगे होते हैं ना, वो बोल रहे हैं। ये सारे भगवानों के डायलॉग दिए हैं। किसने दिए हैं? मनोज मुंतशिर जी, हाँ, सबसे बड़ा भगवा, वो क्या बोलूं। खैर, जाने दीजिए, बाद में इनकी तारीफ बताऊंगी आपको। तीसरा डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी हम लंका लगा देंगे। अरे वाह, गुंडागर्दी भी चल रही है। चौथा डायलॉग, अब आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। पांचवा डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शीश नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। बताइए, ऐसे लैंग्वेजेस और ऐसे डायलॉग्स कौन बोल रहे हैं मूवी में? जितने सारे भगवान हैं वो बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं और हनुमान जी बोल रहे हैं। बताइए जरा, डायलॉग लिखने वाले कौन, जो फिल्म मेकर हैं? जी हाँ, मनोज मुंतशिर। जबरदस्त डायलॉग बाजी, मतलब हद दर्जा गिरी हुई और गंदी। जबकि मैं हिंदू धर्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तब मुझे ये डायलॉग जो है इतनी गंदी और घटिया लग रही है। तो सोचिए, जिनकी आस्था है, जिनका खुद वो ये धर्म है हिंदू धर्म और जिनके ये भगवान है, उनके आस्था को कितनी ठेस पहुंचाई होगी इस मूवी ने, इस फिल्म ने और इस फिल्म के डायलॉग ने, बेहुदा और गंदे डायलॉग ने। अब आपको बता दूं कि इस मूवी के डायलॉग लिखने वाले का नाम, जो अभी नए 2014 के बाद पैदा हुए, माँ के पेट के नहीं, माँ के पेट के हिंदू ऐसे नहीं होते, जो सच्चे हिंदू वो ऐसे नहीं होते, जो नए 2014 के बाद नए हिंदू पैदा हुए, हिंदू हृदय सम्राट, जी हाँ, मनोज मुंतशिर उनका नाम है। तो इनको ये भी नहीं पता कि ये डायलॉग लिख रहे हैं देवी देवताओं के लिए, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं लोग, उनके लिए ये राउडी और थर्ड क्लास वो गली कूचे के मोहल्ले के डायलॉग उठाकर लेके आए, जो वो जो होते हैं ना गुंडे लफाड़िए, उन लोगों के डायलॉग दे रहे हैं भगवान जी को। बताइए जरा, शर्म से डूब मरने वाली बात है। तो इस हिंदू हृदय सम्राट ने जो है ना जबरदस्त तरीके से फिल्म का बेड़ा गरक किया और जबरदस्त तरीके से हिंदू देके देवी देवताओं का जबरदस्त मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। अभी इतना ही नहीं, अभी और भी आगे देखिए कि किस तरह से ये लोग जो हैं, मतलब सत्ता के नशे में और पावर में और तलवे चाटने में इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि किस तरह से अपने देवी, खुद के ही देवी देवताओं का जो है बदनाम कर रहे हैं और किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। जब थिएटर में मूवी लगी तो थिएटर में एक सीट, स्पेशली एक सीट को जो है वो रिजर्व किया गया भगवान हनुमान जी के लिए। देखिए जरा, इनकी जो है क्या बोलूं, दिमाग कहीं लग रहा है कि कहीं कूड़े कबाड़ में फेंक आए। अब बताइए जरा, थिएटर जो है वो एक ऐसी जगह है जहां अच्छी मूवी भी लगती है, अच्छी फिल्म भी लगती है और बहुत सारे, समझ रहे हैं आप, बोलने का मतलब ओवरऑल कि मूवी हॉल जो है वो कोई अच्छी जगह या पवित्र जगह तो है नहीं, तो फिर आप वहां पर कैसे एक सीट को जो है भगवान जी के लिए, हनुमान जी के लिए रिजर्व करके उस सीट को भगवा कपड़े से ढककर और उस भगवा कपड़े पर जय श्री राम लिखा हुआ है और एक लेबल चिपकाया जाता है जिसमें लिखा जाता है रिजर्व सीट फॉर हनुमान जी और उनकी एक तस्वीर भी, एक फ्रेम भी लगाई जाती है। तो आप इस तरह की अश्लील हरकत और भगवान का अपमान आप कैसे कर सकते हैं, जबकि वो एक मूवी हॉल है, कोई पवित्र जगह नहीं है। हनुमान जी की जो भी हम लोग स्थापना करते हैं या कहीं पर रखते हैं तो वो एक पवित्र जगह होती है, तो आपने कैसे भगवानों का जो है स्थान वो एक सिनेमा हॉल को चुना और कैसे चुन लिया? ये तो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तब ये मैं जानती हूँ, तो आप कैसे नहीं जानते? मनोज मुंतशिर, जय जय श्री राम का नारा लगाने वाले,
बताइए जरा। तो आपको क्या लगता है, ये जो हनुमान जी के लिए वो सीट बुक की गई, आपको क्या लगता है सच में भगवान जी की आस्था और श्रद्धा है? नहीं, ये एक जो मनोज मुंतशिर का एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट था, एक निहायत ही घटिया पब्लिसिटी स्टंट, जो खुद जो है भगवान जी का अपमान करते हुए पूरी तरह से साफ दर्शा रहा था और सबों ने इसे मांग भी किया। तो मनोज मुंतशिर का एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट, यानी कि ये लोग जो है अपने भगवानों तक को अपना जो है वो उल्लू सीधा करने के लिए और अपनी रोटियां सेकने के लिए छोड़ नहीं रहे। तो इतनी घटिया डायलॉग और गंदे पब्लिसिटी स्टंट, घटिया पब्लिसिटी स्टंट करके मनोज मुंतशिर को लगा कि उनकी पिक्चर जो है वो दौड़ पड़ेगी, और जैसे पिछली 3-4 फिल्में मालूम है ना किस तरह से चली, ये भी अपनी रोटियां सेक कर निकल जाएंगे, लेकिन ये फिल्म जो है पूरे धड़ाम से औंधे मुंह गिरती है, बिल्कुल औंधे। तो इसी गंदी, मतलब ये जो गंदी गंदी फिल्म की मूवी की डायलॉग्स जो थी, उस पर एक ट्विटर यूजर है कुमकुम सिंह ठाकुर, उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, चूंकि ट्वीट काफी लंबा है तो मैं आपको उसका जो मेन मुद्दा ट्वीट का वो आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा है शॉर्टकट, यानी कि उन्होंने कहा है कि फिल्म यूनिट ने तय किया कि आदि पुरुष पर एक हर शो में एक सीट जो है वो बुक कराया जाएगा, जैसे कि आपने देखा ये सिनेमा हॉल में, जबकि सब लोग जानते हैं कि सिनेमा हॉल से गंदी जगह कोई है ही नहीं। फिल्म यूनिट ने तय किया कि आदि पुरुष के हर शो एक सीट हनुमान जी के लिए जो है वो बुक रहेगा, जबकि सब लोग जानते हैं कि सिनेमा हॉल जैसी गंदी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में इतनी गंदी जगह बजरंग बली की फोटो लगाने पर वो जो है पुरजोर विरोध करती हैं। और कुमकुम सिंह ठाकुर जी, आपके साथ मैं भी, जबकि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, आपके इस विरोध में मैं आपका पूरा समर्थन करती हूं और साथ देती हूं, और मांग करती हूं कि इस जो है मनोज मुंतशिर को सबसे पहले भगवान जी का अपमान करने के आरोप में सबसे पहले इसको गिरफ्तार किया जाए और इस पर इसको जेल भेजा जाए, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया और हनुमान जी और श्री राम जी की जो है बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं, अल्फाज ही नहीं मिल रहे। आपको बता दूं ये मनोज मुंतशिर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा बीजेपी सपोर्टर रहा है, और आज इनके खुद के लोग जूतियां लेकर खड़े हैं इनके सर पर बजाने के लिए। तो ये हाल है, बताइए जरा। और मैं खुद बीजेपी के सपोर्टर से, मतलब बीजेपी जो है जो इसके सपोर्टर कल तक थे और आज जूते लेकर हाथ में इसको मारने के लिए खड़े, मैं खुद उनसे अपील करना चाहूंगी कि बिल्कुल इसे ढूंढो और पहली फुर्सत में इसको इतने जूते मारो कि ये गंजे हो जाएं। तो अब मैं इस मनोज मुंतशिर को जो है चैलेंज करती हूं कि आओ और आकर अपने ही खुद के हिंदू भाइयों के बीच अपनी फिल्म को प्रमोट करके दिखाओ। इतने जूते इसको पड़ेंगे ना कि इसकी हड्डियां तक एक हड्डियां नजर नहीं आएंगी, इतनी जूतियां पड़ेंगी कि इसकी हड्डियां ना पूरी चूर हो जाएंगी जूतियों से, ढूंढ कर नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए, आप सबों को ये पता चल गया कि ये जो आदि पुरुष है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और बहुत ही गंदे तरीके से भगवानों को इसमें जलील किया गया, रुस्वा किया गया, गंदे और भद्दे डायलॉग भगवानों के लिए इस्तेमाल किए गए। और मैं खुद इस फिल्म की जो है को अपोज करती हूं और खुद बोलती हूं कि इस मूवी को बैन कराया जाए, मेहरबानी करके बैन कराया जाए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर है न्यूज 24 की रिपोर्ट। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची हिंदू सेना, भगवान राम जी का मजाक उड़ाने का आरोप। देखिए कल तक जो संगठन जो थी वो इस मुंतशिर, मनोज मुंतशिर को सपोर्ट कर रही थी, आज उसी के खिलाफ कोर्ट में कड़ी है और होनी भी चाहिए, और शायद कहीं ना कहीं आज मेरी और इस हिंदू सेना की सोच मिल चुकी है। जी हाँ, ये जो है हिंदू सेना आज मुझे पहली बार जो है वो सही लग रहे हैं और मैं हमेशा सही का साथ दूंगी। तो हिंदू सेना से मेरी भी गुजारिश है कि आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी चाहिए, सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की मांग कीजिए, इनको जेल भेजिए और अच्छे से सबक सिखाइए ताकि दोबारा जो है ये इस तरह की हरकत ना कर पाए अपनी खुद की रोटियां सेकने के लिए और तलवे चाटने के लिए। जब तलवे चाट कर नहीं बनी तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसी फिल्म बनाकर खुश कर दिया जाए कि लोग जो है वाह वाह करेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। वो क्या है ना, ऊपर वाला, जी हाँ वो है, और उसकी लाठी में आवाज बिल्कुल नहीं होती, ऐसे मारती है ना, मार तो लगती है और दर्द भी जबरदस्त होता है लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं होती, तो यही है वो, समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी आदि पुरुष के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसी फिल्मों से परहेज कीजिए, बिल्कुल भी ना देखिए जो फितना फसाद विवाद प्रोपेगेंडा फैलाती हो और गलत बातें बताती हूँ, ऐसी फिल्मों से परहेज कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।